नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां बनबीरपुर में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। दरअसल तिनकुनिया में उपमुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए खड़े किसानों और बीजेपी नेताओं में झड़प हो गई। आरोप है कि इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बीजेपी नेताओं में से किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, जिस कारण कई किसान घायल हो गए। गाड़ी चढ़ाने के बाद आक्रोशित किसानों ने गाड़ियों में आग लगा दी। मामला धीरे धीरे तुल पकड़ने लगा और इसके बाद वारदातें बढ़ती गई। वहीं खबर है कि इस हादसे में दो किसान की मौत हो गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का पूरा शासन अमला अब लखीमपुर खीरी का रुख कर रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खराब हालात को देखते हुए ADG LO प्रशांत कुमार को लखीमपुर खीरी भेजा है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष की पार्टियों ने भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। साथ ही साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को अमानवीय करार दिया। उन्होंने कहा कि जो इस अमानवीय घटना को देखकर भी चुप है, वो पहले ही मर चुका है। इसके बाद आप नेता संजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कितने किसानों की शहादत लेंगे मोदी जी, CBI से इस मामले की जांच कराओ। वहीं मामले को शांत कराने के लिए भारी मात्रा में पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है, लेकिन गुस्साई भीड़ और भड़क गई है। उन्होंने सबको तिकुनिया कस्बे के गुरु नानक कॉलेज के पास रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हालांकि अब तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इस घटना में मारे गए दोनों लोग कहां के रहने वाले हैं और उनका नाम क्या है। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है और किस तरह इस मामले को शांत कराया जाता है। अब बने रहिए तमाम ब्रेकिंग अपडेट के लिए मोबाइल न्यूज 24 पर। खबर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।